नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बंगाल के विधानसभा चुनावों में अपनी हार को सामने देखकर ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता किसी की परवाह ना करते हुए लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता फिरहाद हाकिम ने CISF को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। क्या है वो बयान, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बंगाल में हार को सामने देखकर ममता बनर्जी और उनके नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। ममता के नेताओं को लगता है कि इस तरह के विवादित बयानों की वजह से चुनाव में शायद फायदा हो जाए। ताजा मामला ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता का है। इसका नाम है फिरहाद हाकिम। टीएमसी के नेता फिरहाद हाकिम का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में फिरहाद हाकिम केंद्रीय सुरक्षा बलों को सुअर बता रहे हैं। वायरल वीडियो में फिरहाद हाकिम एक रोड शो को संबोधित कर रहे हैं। फिरहाद हाकिम कह रहे हैं कि भाजपा सुअर का बच्चा है, यदि भाजपा सुअर का बच्चा आता है तो पहले उनको मारो। कहाँ जाएंगे, उनको पीटो, सुअर के बच्चों को मारो। एक बार चुनाव खत्म होने दो, तब हमारी CID सुअर के बच्चे CISF पर कार्रवाई करेगी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही तमाम BJP के नेता फिरहाद हाकिम और TMC पर टूट पड़े। BJP नेताओं ने जमकर फिरहाद हाकिम और TMC पर निशाना साधा। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ममता के बेहद करीबी नेता फिरहाद हाकिम ने इस तरह की बदजुबानी की हो। इससे पहले भी फिरहाद हाकिम कोलकाता के गार्डन रीच इलाके को मिनी पाकिस्तान कह चुके हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में पाकिस्तान के डॉन अखबार की एक पत्रकार से बातचीत के दौरान फिरहाद हाकिम ने कोलकाता के गार्डन रीच इलाके को मिनी पाकिस्तान बता दिया था। इस दौरान बंगाल के हाकिम ने पाकिस्तानी पत्रकार से कहा कि प्लीज मेरे साथ आइए और मैं आपको कोलकाता के मिनी पाकिस्तान में ले चलूंगा। दरअसल फिरहाद हाकिम उन नेताओं में से हैं जो अपनी आदत से मजबूर हैं। विवादित और आपत्तिजनक बयान देना फिरहाद हाकिम के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही हाकिम ने एक और विवादित बयान दिया था। हाकिम ने CAA विरोध में भड़के दंगों के दौरान मुस्लिम दंगाइयों को भाई कहकर संबोधित किया था। साथ ही ये भी दावा किया था कि इस प्रकार की हरकत BJP को राज्य में लेकर आ सकती है। चुनाव के दौरान TMC नेताओं की ओर से लगातार ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं। वैसे तो ममता बनर्जी चुनाव के दौरान लगातार दावा कर रही है कि BJP चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन बंगाल की राजनीति में ममता और उनके नेता जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसको पूरा देश देख रहा है। पिछले 10 सालों में बंगाल में सत्ता चला रही ममता बनर्जी ने बंगाल के हिंदुओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 10 साल ममता बनर्जी की ओर से बंगाल में तुष्टीकरण के अलावा और कुछ नहीं किया गया। चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी और उनके नेता फिरहाद हाकिम लगातार सुरक्षा बलों को अपमानित कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब TMC की ओर से इस तरह के विवादित बयान सुरक्षा बलों को लेकर दिए गए हैं। खुद ममता बनर्जी भी सुरक्षा बलों पर विवादित बयान दे चुकी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।